हाय गाइस, सो अब नई ट्रिप स्टार्ट हो चुकी है हम लोगों की। अब हम लोग निकल रहे हैं हरिद्वार के लिए, देन वहाँ से देखो क्या प्लान बनता है हमारा। अभी सुबह, अभी शाम, रात के बज रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली, टाइम देखता हूँ क्या हो रहा है, 12 बज रहे हैं। तो हम लोग अभी सैटरडे नाइट है, 12 बज रहे हैं, संडे की मॉर्निंग तक हम लोग पहुँच जाएंगे अप्रॉक्सीमेटली 4 या 5 बजे तक। फिर हरिद्वार की आरती देखेंगे हम लोग, आरती देखने के बाद लेट्स सी हमारा क्या प्लान बनता है। और ये मेरे दोस्त मोहित, मेरा लंगोटिया, ये रहा मेरे साथ। हेलो गाइस, तो अब हम लोग निकल रहे हैं हरिद्वार के लिए, ठीक है ना? बिल्कुल, हरी के द्वार आ गया, हरी के द्वार जा रहा है। और ये प्रशांत, ये मेरा दोस्त, साथ चल रहे हैं हम लोग, तीनों के तीनों। हम लोग तीनों पैरोटी आ रहा है, एक्चुअली हम 4-5 हुआ करते थे पहले, अभी हम फिलहाल 3 रह रहे हैं जो साथ रहते हैं हम लोग। मेरी वाइफ गुजारी, ये मेरी बाइक गाड़ी में बैठी है, एंड अंदर मेरे फ्रेंड की बाइक है, उसका बेटा है। हम 6-7 लोग जा रहे हैं गाड़ी के अंदर, 2 बच्चे हैं, हम लोग 5 लोग हैं, तो मैनेजेबल है। हाँ, मुझे कुछ बोल रहा था, तू बोल यार। कुछ नहीं, हम फ्रीक्वेंटली 3 लोग हैं जो मिलते जुलते रहते हैं, तो कुछ लोग हैं जो थोड़े व्यस्त रहते हैं। ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं, इंजॉय करना चाहिए बस। लेट्स सी क्या होता है, ट्रिप में मजा आएगा, लेट्स गो। हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं अब, और हमारी निकलने की हो रही है तैयारी। अब ये पीछे बैठा है प्रशांत, प्रशांत की वाइफ, ये रुद्राग, संगीता, एंड उधर यशिका, और हमारे मोहित जी यहाँ बैठे हुए, ये सर हमारे को पायलट, एंड ये मैं। हम लोग अब निकल रहे हैं, बहुत मस्ती करने वाले हम लोग आज। सी यू, मिलते हैं बार बार मिलते रहेंगे अब। सो अब हम लोग अभी पेट्रोलिंग करा रहे हैं गाड़ी के अंदर, एंड ये हाँ अभी फुल कर दो भैया। सो फुल करा के अब निकल रहे हैं हम लोग आगे की तरफ, देखते हैं कितने पेट्रोल। अब फ्यूलिंग हो रही है, देखो कितना पेट्रोल आता है अभी, लगभग 550 का पेट्रोल आ गया गाड़ी के अंदर। अब फुल ही करवानी है हम लोगों ने तो, एंड गाड़ी में बैठे हैं। गाड़ी में खूब सारा हम लोगों ने खाने पीने का सामान ऑलरेडी रख लिया है अपना, ये रहा गाड़ी के अंदर सामान। अभी देखते हैं कितना फ्यूल आता है गाड़ी के अंदर हमारी। एंड ये मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रही, मुझे लाइट दिख रही है ऊपर, ऊपर की तरफ से लाइट दिख रही है आपको, वो हनुमान मूर्ति है वो। हम मकानी पेट्रोल पंप पे अभी फ्यूलिंग कराने के रुके हैं। सो गाइस, अब हम लोग सीपी पहुंच चुके हैं, अभी सीपी से निकल रहे हैं हम लोग, एंड ड्राइव मैं ही कर रहा हूं अभी। नई नई सिलेरियो है मेरे दोस्त की, हमें चलाने का मौका मिला, नई गाड़ी मिलता नहीं है वैसे, मेरे दोस्त की गाड़ी तो चलाने का मौका मिल गया है मेरे को। कह रहा है चलाने के लिए बोल रहा है मेरे को, मना कर रहा था पहले मुझे, वो मत चला भाई, तो मैं नहीं, मैं चला लूंगा। किसने मना नहीं किया था भाई? अरे झूठ बोल रहा है यार तू, यार झूठ बोल रहा है, मना नहीं किया, चलो कोई बात नहीं। अभी सीपी आ गए हम लोग, एंड यहाँ से अब मैं लेता हूँ लेफ्ट मिंटो रोड की तरफ, देन मिंटो रोड से हम लोग जाएंगे आईटीओ से फिर कहाँ जाएंगे हम लोग। ओहो, सीपी बंद कर रखा है पूरा, ठीक है, बस कैसे खड़ी है। अच्छा, आगे ट्रैफिक जाम हो रहा है क्योंकि आगे है काकेदा ढाबा, उसकी वजह से यहाँ पे क्राउड बहुत ज़्यादा है, और आगे सारे पबिंग्स हैं इसलिए क्राउड पूरा ही ज़्यादा है इधर ये। और ये हमारा आ गया मिंटो ब्रिज, ये मेरा आईडी कार्ड है, इसको पीछे कर दूँ। ये मिंटो ब्रिज आ गया अब। सो हम लोग तभी 2 मिनट के लिए रुके हैं क्योंकि क्या था कि मोहित को प्रेस देखनी थी गवर्नमेंट की, वो से रुक गए हम लोग, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पड़ी है, एक्चुअली में क्या हुआ है, देख भाई बिल्ली रास्ता काट गई है और काले कलर की काट गई है, और हम जा रहे हैं एक अच्छे सफर पे, हरिद्वार जा रहे हैं, तो भाई कोई चलो, मोहित ने मैं रुक गया, कोई बात नहीं, दिल से अगर नहीं निकल रहा सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, बिल्कुल, इसीलिए सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि हाँ भाई कोई बात है, 2 मिनट रुक जाएंगे, हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है तो थोड़ा सा मान लेते हैं, मान लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मैं बता रहा था ना कोर्ट के बारे में, ये रहा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वाली, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का क्या है प्रशांत, इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का क्या है कि इस कोर्ट का ओपनिंग की थी पी चिदम्बरम ने, अच्छा ठीक है, और जब मोदी सरकार आई तो मोदी सरकार ने जो पी चिदम्बरम को जो सजा हुई थी ना, इसी कोर्ट में सजा हुई थी उसको, जो मनी लॉन्ड्रिंग जो केस हुआ था। चलो चलते हैं, चलते हैं आगे। सो गाइस, अब हम लोग हाईवे पर ही चल रहे हैं अभी, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर, एंड यहाँ पर लड़ाई चल रही है गाड़ी के अंदर खाने को लेकर, भूख लग रही है सबको, मोहित को ज्यादा भूख लग रही है, तो हमें कोई ढाबा दिखेगा तो हम वहाँ रुकेंगे, एंड वहाँ पे कुछ हम लोग खाना वाना खाते हैं। अभी हम लोग कम ही खाएंगे, बट वो ये मोहित का मनोबल बढ़ाएंगे हम साथ में खाना खाकर, जिससे मोहित को लगे कि हाँ मेरे को पूरा कंपनी मिल रही है खाना खाने की। एक घंटा तो कोई दिक्कत नहीं है, एक घंटा दिक्कत नहीं, तो यानी कि अच्छे ढाबे पर रुकेंगे हम लोग। अभी फिलहाल हम लोग एक्सप्रेस वे चल रहे हैं, कितना शोर हो रहा है आपको, सॉरी यहाँ आपस में बातें करते जा रहे हैं हम लोग, बट अच्छा मजा आ रहा है, हम लोग इंजॉय कर रहे हैं हम लोग। अब हम लोग रुक गए हैं कहाँ पर, चोटी वाले रेस्टोरेंट पर। सो ये यशिका, संगीता,
रुद्राक्ष रुद्राक्ष की मम्मा ये से हाय। फिर हम लोग आ गए चोटी वाले रेस्टोरेंट पर। अब हम लोग यहाँ पर कुछ खाते पीते हैं। मोहित अभी गया हुआ है वॉशरूम एंड प्रशांत भी वॉशरूम गया हुआ है, अभी आएंगे वापस। तो हम लोग फिर कुछ खाते हैं अभी यहाँ पे, देन हम लोग चलते हैं फिर आगे निकलेंगे। अभी बाबापुरी एंड ये कुछ यहाँ पर लोगों ने काफ़ी चमना रखा अंदर से। बट अगर बात करूँ मैं फूड की, फूड थोड़ा यहाँ का कॉस्टली है बट लेस। अभी टेस्ट करेंगे हम लोग कैसा है टेस्ट, टेस्ट देखने के बाद पता लगेगा क्या चल रहा है इसका टेस्ट एंड क्या सारा खाना रहता है इसका। बाकी बाकी यहाँ पे लोगों ने कैप्सन अच्छे से लगा रखे हैं, वो ये बॉल पर सारे ये लगा रखे ना पोस्टर से लोगों ने पीछे ये काफ़ी अच्छे लगा रखे हैं, देख सकते हो आप मेरे पीछे ये। वाले बाबा से ये छोटी वाले रेस्टोरेंट बाबा बोल रहा हूँ ये रहा पीछे रेस्टोरेंट। अच्छा था खाना यहाँ का, टेस्टी लगा बट थोड़ा एक्सपेंसिव था खाना, हाई भी होता है बड़ा एक्सपेंसिव खाना, यहाँ पर थोड़ा एक्सपेंसिव ही खाना था। आप बस निकल रहे हैं हम यहाँ से, ड्राइव मैं ही करूँगा अभी, ड्राइव करके निकलते हैं। हरिद्वार मॉर्निंग में पहुँच जाएंगे हम लोग, अभी टाइम क्यों हो रहा है अप्रॉक्सीमेटली हो रहा है 2:10 हो रहे हैं, तो ये 4:30-5 बजे तक हरिद्वार पहुँच जाएंगे आराम से। सी यू। बैठे हम गाड़ी के अंदर, गाड़ी के अंदर बैठते हैं अब हम लोग, और हम लोग अप्रॉक्सीमेटली वही टाइम बताई दी मैंने पहुंच जाएंगे हम लोग। अब गाड़ी में बैठ गई है यशिका, यशिका की मम्मा, यशिका चॉकलेट से खेल रही है। चलो चलते हैं। सो अब हम लोगों ने खाना खा लिया ना, हम यहाँ से निकल चुके हैं। अब फैमिली है सारी, पूरी फैमिली बैठी हुई है। सो निकल गए अब हम लोग यहाँ से, ड्राइव मैं ही कर रहा हूँ अभी। मोहित साहब आ रही है बैठे हुए इधर, लॉक कर लो पहले। नहीं मोहित सर लॉक कर लो अपना, वो इससे लॉक होता है, लॉक कर दिया हमने। अब हम निकल गए हैं गाड़ी के अंदर, अब देखते हैं 2-3 घंटे हम लोग हरिद्वार पहुंच जाएंगे, 5 बजे तक पहुंच जाएंगे हरिद्वार। अभी लोग थोड़ा सो लेंगे और मैं ड्राइव करता रहूँगा सुबह पहुंच के, फिर दर्शन करते हैं गंगा जी के, शायद आरती भी देख पाए हम उस टाइम पर अपनी। सो चलो चलते हैं, मिलते हैं आपसे दोबारा अभी। और अब हम लोग रुके हैं चाय पीने के लिए, अब मोहित के अंदर ऑर्डर करने के लिए चाय। और हम बहुत थक गए हैं, मैं तो बहुत थक गया था, ड्राइव करते करते बातें कर रहा था। सुखदेव ढाबे का रखा था, सुखदेव ढाबा को ऑर्डर सुखदेव का, डुप्लीकेट सुखदेव भाई, ये डुप्लीकेट डुप्लीकेट। और हम चाय पियेंगे, अब चाय पियेंगे और उसके बाद गोदा लगाएंगे, सीधा गोदा लगाएंगे। ये आ गया मोहित भी आ गया। हाँ भाई नजर आ रही है, नाइट शिफ्ट है भाई। ओ नाइट शिफ्ट है, नाइट शिफ्ट वाले आप। अब बच्चे और वाइफ और सभी गाड़ी में ही सो रहे हैं, बैठे हुए बातें कर हम लोग, फिर चाय पी के निकलते हैं फिर। सो गाइस हम लोग अभी रुक गए हैं गाड़ी पे क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही है, बहुत ज़्यादा ही तेज़ बारिश हो रही है। तो अभी हम लोग रुक चुके हैं और सबकी हालत देखो कैसी हो रही है, पीछे देखो इतनी तेज बारिश थी, पहली बार इतने तेज बारिश देखी है, मतलब दिखना ही बंद हो गया। अपना जो मोहित भाई गया था कि आगे से भाई दिखना ही बंद हो रहा है, तो सोचो क्या हालत हो रही होगी पीछे पीछे। तो इसीलिए गाड़ी हमने साइड में लगवा दी। और इसीलिए कब लगाई है वो, करीबन हमने 30 किलोमीटर क्रॉस कर दिए तब लगाई है, क्योंकि मोहित हमारा था होनहार है इसलिए हमने लगा दी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सही है सही है। बट हाँ भाई मोहित पानी डालो, फर्स्ट एक्सपीरियंस भाई। चलो बाकी बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, दिख नहीं रहा होगा कैमरे में आपको, थोड़ा मैं ट्राई करने की कोशिश करता हूँ, नहीं नहीं करता, पानी अंदर आ जाएगा, बट बहुत तेज़ बारिश हो रही है। मिलते हैं अभी आगे, एक और नींद आ रही है। हाँ सो गुड मॉर्निंग गाइस, अब हम लोग हरिद्वार पहुँचने ही वाले हैं, 10 किलोमीटर रह गए हैं, बहुत तेज़ बारिश। और अब यह सामने बोर्ड भी दिखेगा आपको, अभी है आएगा नहीं आएगा, आ गया बोर्ड देखिए हरिद्वार एंड रोड की वापसी। और मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, हम लोग बहुत साथ दे रहा है मौसम। एंड ये गाड़ी का टर्न मारता मोहित का बढ़िया वाला, मज़ा आ गया इसके अंदर, वाकई में ही बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है हम लोगों को। एंड हम हरिद्वार पहुँच जाएंगे हम लोग मुश्किल से 15 मिनट के अंदर, अगर देखते हैं अगर आरती नसीब होती है, मैं देखना तो आरती देखेंगे हम लोग, उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे, स्नान वगैरह करेंगे जो भी हमारा शेड्यूल है, उसके बाद देखते हैं क्या करना है हमें आगे। और वाकई में मौसम बहुत ज़्यादा ही अच्छा हो रहा है, ये आपको दिख ही रहा होगा, बहुत शानदार मौसम हो रहा है। सो अब कैसा लग रहा है आप सबको पहुंचने के बाद, वेलकम टू सिटी हरिद्वार, कुंभ सिटी, और कैसा लग रहा है तुम सबको?
बिल्कुल बहुत ही अच्छा लग रहा है। अनएक्सपेक्टेडली बारिश भी बिल्कुल बंद हो गई। बस अब हम ये प्रे कर रहे हैं कि सूर्य देवता अपना आगमन जल्दी से प्रकट करे ताकि हमारा शेड्यूल जो भी है वो हम कंप्लीट कर पाए। क्या भाई मोहित, क्या बोलते हो? अच्छा लग रहा है यार, बारिश खत्म हुई है, आप ड्राइव कर रहे हैं, विजिबिलिटी अच्छी है, तो अच्छा लग रहा है। और पीछे प्रशांत भी सो गया, मैं ऐसा लग रहा है उसका बेटा और जगा हुआ। सो गुड मॉर्निंग मेरे भाई, सो मिलते हैं, अब आगे बताता हूँ आपको, सारा अपडेट देता रहूँगा आज का कैसे कैसे चल रहा है हम लोग का दिन का शेड्यूल। सो गाइस, हम लोग पहुँच गए हैं हरिद्वार, हर की पौड़ी अभी नहीं पहुंचे हैं, थोड़ा दूर है यहाँ से, तकरीबन 4-5 किलोमीटर। काम मत करो। हाँ, तो अब ये ब्रिज है, ब्रिज के ऊपर चढ़ेंगे हम लोग। यहाँ से गंगा का व्यू बहुत अच्छा दिखेगा, हमें गंगा का व्यू बहुत अच्छा दिखेगा यहाँ से। एंड अब ये आपको व्यूज दिखाता हूँ, थोड़ा मोही थोड़ा साइड में लेके चल बोर्ड लाइन। सो गाइस, ये देखिए आपको कितना वाक्य में यार क्या नज़ारे हरिद्वार, हरिद्वार ऐसा लग रहा है कि मैं हिमाचल से भी ऊपर आ गया हूँ। लद्दाख के जो रास्ते हैं ना, कोई पूरा वाक्य में आपको दिख रहा होंगे क्लाउड्स का, बहुत अच्छे क्लाउड्स आ रहे हैं वाक्य में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अभी ये गंगा नदी, गंगा मैया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।